एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के कॉमर्स का आपके बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर करने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम पहले जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेरियस फोर्सेस, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस मैन को डील करना पड़ता है अगर उसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। वेरियस फोर्सेस क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के बाहर है। फैक्टर्स क्या हो गए, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, लीगल फैक्टर हो गया, इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है मान लीजिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो जो वो बात बोल रहा है हमें वो बात फॉलो करनी पड़ेगी अगर हमें अपने बिजनेस को चलाना है। तो नेक्स्ट हम देख लें कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। जब हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है कि मुझसे कहाँ कहाँ से मुझे दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या मेरे फ़ायदे हो सकते हैं, अगर मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लूँ, दैट इज़ योर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट को आप देख रहे होंगे, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बिजनेस मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, किसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वहीं इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, हमारे आसपास का वातावरण। तो जो बिजनेस के आसपास का वातावरण है, यहाँ पे बेसिकली आपके चैप्टर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की गई है, जो बाहरी का हमारा इन्वायरमेंट है उससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर मैं ये जान लूँ, इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को आपकी बुक में दो कैटेगरी में बांटा गया है, दूसरे बुक में डिफर भी कर सकता है, माइक्रो मैक्रो ऐसे बांटा गया हो, इंटरनल एक्सटर्नल बांटा गया हो। तो कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, बेसिकली फिस्कल पॉलिसी आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है आरबीआई का, ये सब आता है। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप क्या याद कर सकते हैं, SLEPT से आप याद कर सकते हैं, एस से सोशल, एल से लीगल, इसे आपका वहाँ पे यहाँ पे कवर ही हो गया है इकोनॉमिक, और पी से पॉलिटिकल और टी से टेक्नोलॉजिकल। तो आप ऐसे नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कैसे याद कर सकते हैं, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और कल्चरल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये आपके नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गए। सो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस से डील करता है। ये आपका बिजनेस है, इसके बाहर के जो भी फोर्सेस हैं, वेदर लीगल, पॉलिटिकल, इससे डील करना, इसके बारे में जानना, ये क्या है आपके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या, नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके एग्जाम में फीचर्स भी दे सकता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर पूछ सकता है। तो तीनों में से कुछ भी पूछे, आपको यही बताने हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब कि मुझे पता है ये स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेज है। वहीं जनरल फोर्सेज क्या है, नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस क्या, हमारा सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, जिस पे हम काबू बिल्कुल 1% भी हम काबू नहीं कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं कह भी लूँ तो स्पेसिफिक मतलब कि क्या है, मेरे कस्टमर से मुझे नुकसान हो सकता है, मेरे कॉम्पिटिटर्स ये हैं, लेकिन जो जनरल फोर्सेस है ये पूरे सारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। जैसे कोविड आया, कोविड की सिचुएशन आई तो पूरे बिजनेस अफेक्ट हो गया, आपका उस पर 1% भी कंट्रोल नहीं था। इंटर रिलेशन क्या है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अब बिहार में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बैन कर दिया आपका लिकर, तो इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे अब लोग फैक्ट्री वगैरह नहीं खोलेंगे लिकर वगैरह की। तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि इन्वायरमेंट में अगर पॉलिटिकल में चेंज आता है तो उससे लीगल में भी चेंज आ जाता है, फिर आपके बिजनेस को भी वो अफेक्ट करता है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनामिक है, कीप ऑन चेंजिंग, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता है, क्या कब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला दे कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। गवर्नमेंट आपके फेवर में भी पॉलिसी लाती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो कभी कभी आपके लिए फेवरेबल हो भी सकता है, कभी कभी अनफेवरेबल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना आसान नहीं है, कब किस चीज़ से हमें ज़्यादा नुकसान हो, जैसे भावना कि कितने परसेंट नुकसान हो सकता है, उतना ईजी टास्क नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। रिलेटिविटी, जैसे कि पाया गया कि कोका कोला में पेस्टिसाइड निकले हैं, तो ये इस अगर इंडिया में पाया गया तो इसकी वजह से बाहर के भी कंट्री में सेल कम हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट से इंडिया का इन्वायरमेंट, यूएसए के इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। अगर
मतलब कि कोको कोला का बिजनेस तो दोनों जगह इंडिया में भी यूएसए में है, तो अगर पेस्टिसाइड पाया गया इंडिया में तो यूएसए में भी कहीं ना कहीं कोको कोला के कस्टमर कम होने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस में हमने पढ़ा कि सारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट जो बिजनेस के बिजनेस है हमारा खुद का, उसके बाहर के हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल है हमारे बिजनेस से। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या है? स्पेसिफिक मतलब कि ये सिर्फ जो लोग हैं सिर्फ मुझे मेरे बिजनेस को ही अगर नुकसान या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे कस्टमर मेरा कस्टमर चला गया, मेरा कॉम्पिटिटर इससे इससे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बिजनेस ए के ये कस्टमर है कॉम्पिटिटर है तो बिजनेस बी के भी वो होंगे। लेकिन अगर आपका क्या हो रहा है जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, अगर कोविड आ गया तो आपके बिजनेस में भी इफेक्ट कर रहा है और दूसरे बाकी सारे बिजनेस में भी इफेक्ट कर रहा है। तो हमने ये जाना इंटर रिलेटेडनेस में, हमने जाना कि बिजनेस जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो कहीं ना एक साथ जुड़े हुए हैं। डायनेमिक मतलब कि ये चेंज हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्स मतलब कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। रिलेटिविटी मतलब कि अगर आपके कंट्री में कुछ चेंज आ रहा है अगर, तो अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, एक इन्वायरमेंट एक कंट्री का दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट आपका किसने दिया है? एल्बर्ट हम्फ्री ने ये वर्ड दिया है। तो स्वॉट में क्या होता है? अपनी स्ट्रेंथ को जानना, वीकनेसेस को जानना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को जानना। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती है? इंटरनल होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है कि मैं बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छी हूँ, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छी हूँ। मेरी वीकनेस पता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जिससे मेरे मार्क्स कम आते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी निकली कि जो बच्चा 90% से ऊपर लाएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बाहर से अपॉर्चुनिटी मिली और मैं उस पर मेहनत करूँगी तो आई कैन गेट द स्कॉलरशिप। थ्रेट क्या है? अब जैसे कि 12th पास करने के बाद सब जो कुछ CUET एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए थ्रेट सा हो गया कि उसे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। वैसे बिजनेस की क्या होती है स्ट्रेंथ? जैसे कि मैंने स्टार्टअप खोला, मान लीजिए मैं स्विगी हूँ, तो मैं स्विगी की स्ट्रेंथ क्या है कि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर रही है, घर घर तक पहुँचा रही है, जिससे क्या कस्टमर को कन्वीनियंस हो रहा है। वीकनेस क्या है मेरी कि मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं, रेस्टोरेंट तरीके का नहीं दे पा रही हूँ जहाँ पे कस्टमर आके बैठ के खाएं। अपॉर्चुनिटी क्या है? कोविड के समय क्या अपॉर्चुनिटी आ गई स्विगी के पास कि अरे अब तो सब चीज़ें बंद हो गई रेस्टोरेंट वगैरह, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मेरी सेल्स बढ़ सकती है अगर मैं घर से घर और सेफली डिलीवर करूँ सामानों को, अपने फूड आइटम को। थ्रेट्स क्या है? जब कोविड ख़त्म हो गया तो थ्रेट्स क्या आ गए कि अब तो मुझे रेस्टोरेंट वगैरह से कॉम्पीट करना पड़ेगा, या ऐसी पॉलिसी आ गई जहाँ पे ऑनलाइन जो फूड आइटम पे गवर्नमेंट कंट्रोल लगे, तो ये सब थ्रेट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम जान लेंगे तो हम जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि जब मुझे पता चला कि कोविड की सिचुएशन आई तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई मैं एक सोप कंपनी की, चलो सैनिटाइजर वगैरह बनाया जाए, मास्क वगैरह पे फोकस किया जाए। अगर मैं ये सबसे कम फर्स्ट काम फर्स्ट में करूँगी तो ये क्या होगा, मुझे इससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। और ये क्या होता है, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से जानूंगी तो मैं थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाऊँगी और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी। थ्रेट्स की स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। सो एक इन्वायरमेंट की अच्छे से जांच पड़ताल करने से मैं रिसोर्सेज को असेंबल कर सकती हूँ, जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए। मान लीजिए मुझे पता चला कि फ्यूचर में जो है गेहूं के प्राइसेस बढ़ने वाले, तो मैं जल्दी से रिसोर्सेज क्या करूँगी, मैं गेहूं वगैरह इकट्ठा कर लूँगी जिससे मेरे बिजनेस को फ़ायदा हो फ्यूचर में। और एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से जानने से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। जब मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से जान लिया कि फ्यूचर में फिर से कोविड आने वाला है तो मैं सब चीज़ें पहले से ही तैयार कर लूँगी, अपने एम्प्लॉयमेंट को मेंटली तैयार कर लूँगी, तो हमारी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, क्योंकि मैं पता है कि फ्यूचर में फिर से कोविड आने वाला है, ये सिचुएशन आने वाली है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है एडजस्ट करने में और अडेप्ट करने में रैपिड चेंजेस। जब हम जान रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। अब मैं समझ चुकी हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाना अब उतना सूटेबल नहीं है जब कोविड वगैरह की सिचुएशन आ जा रही है। अब मैं एज अ टीचर मुझे क्या टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।
ये मुझे कहीं ना कहीं आसानी भी प्रदान करता है। तो आपको होप समझ में आएगा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ व्हाट एनालिसिस एंड फीचर कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट एंड व्हाट इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरीज को इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो मैक्रो करके बताऊँ तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।